हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील। और आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 28 एनसीईआरटी 5.1 एक्सरसाइज का है। देखिए, इसमें क्या करना है, फाइंड के सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है, तो हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, जब ये कंटिन्यूस गिवन है तो हम एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू इक्वल करके निकाल दें या सिंपली एक ही वे ले लें। क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स हम एक ही वैल्यू कंसीडर कर लें, क्योंकि तीनों इक्वल तो आना ही आना है, राइट? क्योंकि ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है। ओके, जब दिया हुआ है तो हम लेफ्ट हैंड नहीं निकाल रहे, राइट हैंड से ही सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या करना है, वो इक्वल ही आता है जब कंटिन्यूअस दिया हो। उस केस की बात मैं बता रहा हूँ। एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ पाई प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। फंक्शन की वैल्यू जब पाई है तो फंक्शन है कितना, के इंटू पाई प्लस वन, और ये कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई प्लस वन। पाई से ग्रेटर के लिए फंक्शन ये लिखा है, यानी कि कॉस, और एक्स की जगह रखना है पाई प्लस एच इज इक्वल टू के पाई प्लस वन। और जैसे आप लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा कॉस पाई इज इक्वल टू के पाई प्लस वन। और कॉस पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो कॉस पाई होता है आपका कितना, माइनस वन, राइट? कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन इज इक्वल टू के पाई प्लस वन। इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो के पाई इज इक्वल टू माइनस टू, के की वैल्यू आप फाइंड करेंगे -2/π। ये हो जाएगा आपका आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 के जैसा ही है, राइट? सेम एज 28। अगर आपने 28 अच्छे समझ लिया है तो क्वेश्चन 29 भी इजिली सॉल्व हो जाएगा, राइट? चलिए इसको स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन 29 को हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 30 डिस्कस करेंगे। उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।